नरगिस साहिबा इंडिया से पूछती हैं, फजर छोड़कर बाकी नमाज़ें पढ़ना, अगर हम फजर की नमाज़ ना पढ़ें तो क्या बाकी नमाज़ें पढ़ सकते हैं या वो भी कबूल नहीं होंगी? फजर की नमाज़ ना पढ़ें तो ऐसा कोई पैकेज हमारे इल्म में नहीं है कि जो फजर की नमाज़ ना पढ़े उस पर बाकी नमाज़ें भी अल्लाह की तरफ से माफ़ हो जाती हैं। इस तरह का कोई पैकेज अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि कुरान और सुन्नत में कोई इस तरह का कोई पैकेज नमाज़ छोड़ने वालों को स्पेशली दिया गया हो कि जो एक छोड़ दें वो बाकी भी छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप अगर फजर नहीं पढ़ते तो बाकी चार नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि बाकी भी छोड़ेंगे तो और बड़ा गुनाह होगा और फजर छोड़ना भी कबीरा गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़कद कफर, जिसने जानकर नमाज छोड़ दी तहकीक उसने कुफर किया। तो ये खूब समझ लेना चाहिए कि इस्लाम लाने के बाद नमाज जान बूझ कर कज़ा कर देना, इससे बड़ा कोई जुर्म इस्लाम में है नहीं। ये तो तसव्वुर नहीं था पहले ज़माने में कि कोई मुसलमान हो और जानकर नमाज कज़ा कर दे, तो इस्लाम की अलामत है। इसलिए इस कबीरा गुनाह से फौरन तौबा करें, और अगर अल्लाह ना करे कभी फजर छूट जाती है तो फौरन से जितना जल्दी हो सके तौबा भी करें और कज़ा भी करें और बाकी नमाज़ें वो भी पढ़ती रहें।